क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता गोविंद छेत्री मरदेह दार्जिलिंग दलियों कार्यालय पहुंचते ही दलमत निर्विशेषे बहु मानुष श्रद्धांजलि जानान। क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता गोविंद छेत्री शनिवार उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज और हासपाताले आकस्मिक मृत्यु है। रविवार तार मरदेह दार्जिलिंग दलियों कार्यालय निये आसा है। सेखाने समस्त दल नेतृत्वरा गोविंद छेत्री मरदेह श्रद्धांजलि ज्ञापन करें। दल केंद्रीय कमिटी मुखपात्र अरुण गाथानी जानिएछेन गोविंद छेत्री मृत्युते दल गभीर भाव शोकाहत। यह क्षति अपूरणीय। गोविंद छेत्री शुद्ध सीपीआरएम नेताई छिलेन ना, तिनि स्वयं एक संस्था छिलेन। उनि छात्र आंदोलने दार्जिलिंग पहाड़ी एलाकाय एगिये निये जावार चेष्टा करतेन। बहु बछर जुब आंदोलने नेतृत्व दें। यह नेता खूब कम ही पावा जाए। एदिके रविवार सीपीआईएम दार्जिलिंग कार्यालय गोविंद छेत्री के श्रद्धांजलि जानान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चार नेता रोशन गिरी। अनित थापा शोक बार्ता पाठिएछेन। एदिके कारसिंगे बीजेपी विधायक बीपी बांजगाइन उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज थेके संगे छिलेन। अभी ना जाओ छोड़ कर। Everything is under control. আপনারা ওনার সাথে দেখা করতে পারেন। আমরা জানি আপনার হৃদয়ের কথা। হৃদয়ের মানুষকে ভালো রাখি আমরা। নিউটিয়া কেটওয়েল হেলথ কেয়ার সেন্টার, জীবনের প্রাণ স্পন্দন। দার্জিলিং পাহাড় মে অলগ রাজ্য কে আন্দোলন কো এক অলগ পহচান দেনে ওয়ালে এক सशक्त जुझारू नेता रामाक्पा क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कमरेड गोविंद छेत्री का कल उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में असामयिक निधन हुआ। सीपीआरएम पार्टी आज एक गंभीर शोक के लहर में है। पार्टी इस क्षति को अपूरणीय क्षति कहते हैं। गोविंद छेत्री जी सिर्फ रामाक्पा के नेता नहीं थे, वो स्वयं में एक संस्था थी। उन्होंने 70 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन में अपना योगदान दिया। वे छात्र नेता के रूप में उभरे। उन्होंने छात्र आंदोलन को दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास किया।